पुलिस द्वारा एक इलीगल आर्म्स के खिलाफ अभियान चलाया गया। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जितने भी इलीगल वेपन्स या एम्युनेशन कोई भी रख रहा है, तो उसके खिलाफ पूरे प्रदेश भर में एक अभियान चल रहा है। उसी के अंतर्गत हमारी अम्बाला पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। हमारी CIA 1 की टीम इंस्पेक्टर हरजिंदर के नेतृत्व में उन्होंने 2 आरोपियों से टोटल 7 इलीगल वेपन्स और 5 लाइव राउंड्स उन्होंने बरामद किए हैं। जो आरोपी हैं उनकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं। पहला आरोपी बंधन शर्मा, जो कि हरिनगर BD फ्लोर मिल का अम्बाला छावनी का रहने वाला, और दूसरा आरोपी अमन सोनकर उर्फ बॉन्ड, जो कि तेली मंडी अम्बाला छावनी का रहने वाला है। जो इसमें से अमन बॉन्ड क्रिमिनल है, इसके ऊपर पहले ही लगभग 10 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर, चोरी, लड़ाई झगड़ा और आर्म्स एक्ट के दर्ज हैं इसके ऊपर। अभी हम पूरी विस्तार से इनको आज कोर्ट में पेश करके इनका पुलिस रिमांड लेंगे और इनकी पूरी तह तक पहुंचेंगे। ये असले कहां से लाए, इन्होंने कहां से प्रोक्योर किए और यहां पे किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। और साथ ही इनका जो और इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि ये जुआ सट्टा इलाके के अंदर खिलवाते हैं और अपना गैंग एक्टिवेट कर रखा है इन्होंने, और इनकी गैंग और दूसरे गैंग के साथ चलती है, तो उसके बारे में भी इनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ करेंगे डिटेल में। सर, ये कंट्री मेड वेपन्स थे या इम्पोर्टेड थे, क्या कुछ ये जो थे? वेपन्स हैं, ये कंट्री मेड वेपन्स हैं, कंट्री मेड पिस्टल्स हैं। ये कुछ देसी कट्टे भी इसमें, क्योंकि 2 इसमें देसी कट्टे हैं और 5 इसमें कंट्री मेड पिस्टल्स हैं। गैंग वगैरह है या कोई? ये जो अमन बॉन्ड है, ये अम्बाला छावनी के एरिया के अंदर अपना गैंग ऑपरेट करता है, और इसका पिछले दिनों ही इसका बॉन्ड का और एक अमन सोनकर की आपस में लड़ाई झगड़ा और विवाद इसका आपस में हुआ था, और उसी के लेकर इनके आपस में केसेस भी दर्ज हुए थे, और इनमें से एक गैंग ने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की थी, जिसके अंदर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो ये यहाँ पे और भी इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे जुआ सट्टा को भी शरण देते हैं, तो उस सारी चीज़ों की अब तह तक हम सर,